समझते हैं क्या है अर्थ समिट टेना 1992 की, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ठीक है ना, वन डे से लेकर ISPCS तक, ये हर जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए थे जो हमेशा इंपॉर्टेंट बने रहेंगे। ओके तो शुरुआत करते हैं, क्या है अर्थ समिट। अर्थ समिट आल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED ठीक है ना। जब ये भी कहा जाए UNCED तो उसका मतलब क्या है हमारा अर्थ समिट। कब हुई थी ये, ब्राजील में 1992 की हुई थी, ब्राजील के रियो शहर में ठीक है ना। तो रियो शहर में हमारी एक समिट होती है जिसको बोलते हैं अर्थ समिट। इसमें हुआ क्या था, 178 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, वो आते हैं। कुछ NGO आते हैं जो इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम कर रहे थे, कुछ और भी स्टेक होल्डर वहाँ पहुँचते हैं और इस समिट को अटेंड करते हैं और सामने आती है हमारी ये पृथ्वी सम्मेलन। ओके यानी 178 देश के प्रतिनिधि जाते हैं, इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि ये जो भी समस्याएं आ रही है हमारे इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट पे, उसको कैसे मैनेज किया जाए ठीक है ना। अब हुआ ये कि जब ये समिट होती है तो एक सिग्निफिकेंट इवेंट बन गई किसकी, हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म ठीक है ना, पर्यावरण के आप जो भी बोलें इसको, उसकी हिस्ट्री में एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इवेंट है क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है एक नई कुछ, एक नई डायरेक्शन स्टार्ट होती है, नई पॉलिसीज आना स्टार्ट होती हैं जो फोकस्ड होती हैं किसी भी तरीके से इस पृथ्वी को बचाने में। लेकिन तीन एग्रीमेंट आपको याद रखने हैं जो निकल कर आते हैं इस पृथ्वी सम्मेलन से ही। पहला था UNFCCC, इस पर तीनों पे मैंने डिटेल वीडियो में आप लाने वाला हूं ठीक है। तो पहला एग्रीमेंट था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जब वहाँ प्रतिनिधियों ने देखा 1992 को कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई है ना, औद्योगिक क्रांति हुई है, जिससे पूरा पूरा क्लाइमेट चेंज हो सकता है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए UNFCCC सामने आई। ओके अब देखा जाए कि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही लोगों की, अब पूरी जो जनसंख्या की जो खाने की दवा की जरूरतें हैं बहुत ज़्यादा जैव विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर निर्भर है ठीक है ना। अब लोग कर क्या रहे हैं कि गेहूं की या चावल की 1000 प्रजातियां पाई जाती थी, अब सिर्फ 4 का उत्पादन कर रहे हैं, बाकी शायद विलुप्त हो जाएंगी धीरे धीरे। और अगर क्लाइमेट चेंज हो गया ठीक है ना, हो सकता है ये भी खतरे में पड़ जाएं, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। तो सामने आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरा आता है खाद्य सुरक्षा पर, ये भी डिपेंडेंट था कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ठीक है ना, वैसे क्या हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, तो इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि अगर सब मरुस्थल में ही बदल जाएंगे तो जो खाने पीने की जो आवश्यकताएं हैं वो कैसे मैनेज होंगी, बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस होगा। तो उसके लिए हमारे सामने आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये तीन याद रखते हैं, ये तीनों ही आए थे अर्थ समिट में सामने। ओके इसके अलावा कुछ और भी हुआ था, आती है रियो डिक्लेरेशन ठीक है ना, अर्थ समिट में ही रियो डिक्लेरेशन होती है। ये किस पर रिलेटेड है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये बेसिकली बात करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। जो रियो डिक्लेरेशन है ये सतत विकास पर बात करती है ठीक है ना। इसने 27 प्रिंसिपल यानी एक डिक्लेरेशन सामने आती है ठीक है ना, जो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, इसमें 27 डिक्लेरेशन सामने आती हैं जिनको धीरे धीरे फॉलो करना था आगे। ओके ये तो थी डिक्लेरेशन, लेकिन आगे इसी में एक और भी आता है एजेंडा 21। ये किसका रिजल्ट है, आज समिट का ही रिजल्ट है ठीक है ना। ये क्या कहती है, ये जो भी जो डिक्लेरेशन हुई है इसके लिए एक प्लान बनाया गया, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी जो रियो डिक्लेरेशन थी ये बात कर रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि ये चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए ये बताई गई एजेंडा 21 में ठीक है ना। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें वो याद रखनी है, साथ में रियो डिक्लेरेशन याद रखनी है, और रियो डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सामने आता है आगे चलकर एजेंडा 21, इसको भी याद रखना है। ओके सो अर्थ समिट वॉज ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन ग्लोबल एफर्ट्स टू एड्रेस इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इशू ठीक है। इन्वायरमेंट को इसने मैनेज करने की कोशिश की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे यहाँ से उभर कर सामने आना स्टार्ट हो जाता है ठीक है ना। हेल्प टू रेज अवेयरनेस ऑफ द अर्जेंट नीड फॉर एक्शन टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ से क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों हर जगह पूछा जा रहा है, देखिए एग्जाम में क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि इससे एक अवेयरनेस बढ़ती है कि पृथ्वी को समस्या है, पृथ्वी पर खतरा मंडरा रहा है। अगर पृथ्वी पर खतरा मंडरा रहा है तो हमारी लाइफ पर भी खतरा मंडरा रहा है ठीक है ना।
तो कम से कम एक अवेयरनेस को बढ़ाने में, जिससे कि नए नए स्टेप्स लिए जा सकें, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है ये। ओके, तो क्या है ये अर्थ समिट? तो अर्थ समिट का ये बेसिक आपको बता दिया जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पांच ये चीजें याद रखनी है जो सामने आई थी। ओके,